वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल, मैं राकेश कुमार। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बेसिकली मैं बताने वाला हूँ कि इंडिया के जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उन सभी चैनलों को बैन कर दिया गया है नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा। पूरी जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों कल ही ये अपडेट आया कि नेपाल गवर्नमेंट ने इंडिया के जितने भी प्राइवेट न्यूज चैनल्स हैं उन सभी चैनलों को नेपाल में किसी भी MSO द्वारा ट्रांसमिशन को नहीं करने के लिए कहा गया है। यानी कि इंडियन न्यूज चैनल को एक तरीके से देखा जाए तो कम्प्लीटली बैन करने के लिए नेपाल गवर्नमेंट ने सभी MSO और केबल ऑपरेटरों को निर्देश दिया था। अब मुद्दा ये है दोस्तों, क्या कि नेपाल गवर्नमेंट ने MSO को इंडियन न्यूज चैनल्स को बैन करने के लिए आखिर कहा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, दैट्स व्हाई मेकिंग दिस वीडियो। बिकॉज दोस्तों, जिस तरीके के अभी हालात हैं, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप बंद करे थे, क्योंकि इंडिया और चाइना का जो झड़प हुआ था उस दौरान डेटा लीक होने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स को बैन करा था। अब इसी के कुछ ही दिन बाद दोस्तों, नेपाल और चाइना के आपका रिलेशन पता ही चल रहा है, आजकल चाइना जो है नेपाल के साथ अपने जैसा चाह रहा है, चाइना उस तरीके से नेपाल से करवा रहा है, तो नेपाल भी उसके इशारों पे नाच रहा है, चाइना के इशारों पे नाच रहा है। अब मेरा यहाँ पे कहना ये है, जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज ऐप को बैन करके उसे सबक सिखाने की कोशिश करा, उसी तरीके से क्या चाइनीज गवर्नमेंट नेपाल से इंडियन चैनल्स बंद करवा के इंडिया से एक लेना चाहता है क्या, प्रतिशोध लेना चाहता है क्या? एक मेरे मन में सवाल था, आपका इस पे क्या राय है कमेंट करके आप ज़रूर इस बारे में बताइएगा। जिस तरीके से इंडियन ने 59 ऐप्स बैन कर दिया, अब कुछ ही दिन के बाद यहाँ पे नेपाल गवर्नमेंट कहते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री के बारे में इंडियन जो चैनल्स है उनके बारे में जो न्यूज़ दिखा रही थी वो उनके अगेंस्ट था, उन्हें जो प्रोपेगेंडा के तहत दिखाया जा रहा था वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से जो भी नेपाली गवर्नमेंट थे उन लोगों ने डिसीजन लिया कि इंडियन कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं दिखाए जाएंगे। कहते हैं कि इंडिया और नेपाल का जो रिश्ता आज से नहीं बल्कि सालों से, कई दशकों से रिश्ता रोटी और बेटी कहते हैं, ऐसा स्लोगन देते हैं कि ऐसा चलता था। नेपाल के लोग इंडिया में काम करने आते थे, बहुत सारे नेपाली लोग इंडिया में काम करते हैं, साथ ही इंडियन लोग भी जो बॉर्डर एरियाज में वो भी नेपाल की तरफ जाते थे, ना यहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत है ना ही पासपोर्ट की ज़रूरत है, और यहाँ पे रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे। तो एक तरीके से देखा जाए क्या चाइना नेपाल के थ्रू इंडियन चैनल्स को बंद करवा के वो दिखाना चाहता है क्या कि हम नेपाल के जरिए कुछ भी कर सकते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को उसने कंट्रोल कर रखा है, फिर चाइना को कंट्रोल कर रखा है, और चाइना नेपाल और पाकिस्तान को कंट्रोल कर रखा है चाइना ने, तो कहीं ना कहीं इससे कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बट बेसिकली ये जो अपडेट यही है दोस्तों कि इंडियन न्यूज़ चैनल को सिर्फ बंद किया गया है और DD का जो चैनल्स है वहाँ पे नेपाल में ट्रांसमिशन करने की आज़ादी है। और साथ ही मेरे मन में ये भी सवाल है कि चाइना में तो हिंदी कोई समझेगा नहीं, तो चाइना को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंडियन न्यूज़ वाले क्या चाइनीज़ के बारे में बक रहे हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन नेपाल में हिंदी लोग समझते हैं, जानते हैं, जिस वजह से यहाँ पे लोगों को भी बैन करवा दिया गया ताकि वहाँ के लोग भी इंडियन न्यूज़ नहीं देख सके, उनके गवर्नमेंट जो कर रही है जो उनके जनता को नहीं पता चल सके ताकि वो जागरूक हो सके। क्योंकि इतने सालों का रिलेशन अगर स्पॉइल होता है किसी कंट्री के बीच में तो कहीं ना कहीं एक तरीके के देखा जाए तो बहुत बड़ा झटका ही है। तो इसके साथ साथ दोस्तों, इंडिया के जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं, उन सभी को भी झटका लगा होगा, क्योंकि नेपाल में भी बहुत सारे इंडियंस लोग रहते हैं, बहुत सारे हिंदी भाषा जानने वाले लोग हैं जो कि न्यूज़ देखते हैं, यहाँ के जो चैनल्स देखना पसंद करते थे, तो ब्रॉडकास्टर के साथ साथ TV चैनलों को भी काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि अदर कैटेगरी के चैनल्स अलाउ है, बट सिर्फ न्यूज़ कैटेगरी के चैनल को बैन किया गया। आप देखना होगा कितने सालों तक के लिए, कितने दिनों के लिए बैन है। इससे रिलेटेड कुछ और अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।